was difficult, but thanks to the remix team, Amazon, Grey Matter, who made me feel so comfortable, I was like absolutely at home when I was on the sets. And I cannot forget to mention these two amazing gentlemen sitting by besides me, and Karan. You know, pregnancy feel hi nahi hua. I mean, sabse crucial time mein to ye show ho gaya. So everything just was so smooth, and I was most happy during my pregnancy. Really excited. It's a great platform. मुझे तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि म्यूज़िक रियलिटी शोज़ होते हैं, दे कैन रिवॉल्व अराउंड द सिंगर मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड इन जनरल ऑल्सो इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री यू सी लाइक द कंपोजर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, दे कैन डू द नॉन स्पॉटलाइट सॉर्ट ऑफ अ जॉब, यू नो, एंड दिस इज द ओनली शो विच इज़ नॉट ओनली हंटिंग फॉर अ सिंगर बट ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर अ प्रोड्यूसर, एंड नॉट जस्ट हंटिंग फॉर अ प्रोड्यूसर बट ऑल्सो गिविंग द प्रोड्यूसर दैट spotlight which she needs, you know. So I feel proud to be associated with this. It's quite incredible. This question is not for me, but I think I can add a little bit to this. Please go ahead. We would love to hear from you. So the majority of Indian audience is young. The majority of the Indian population is also very young. Bahut talent hai hamare paas. Itna talent hai ki hum manage nahi kar sakte. एक और रियलिटी म्यूजिक शो से भी कुछ नहीं होने वाला, हमको कम से कम 20-25 और शोज चाहिए यहाँ पे. दूसरी चीज़ ये है कि ये शो जो बाकी के रियलिटी शोज़ हैं उनसे बहुत अलग है. यहाँ पे पब्लिक वोटिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि पब्लिक वोटिंग जब शुरू हो जाती है तो टीआरपी बोलते हैं ना उसे, वी कॉल इट टीआरपी, राइट? बिकॉज द टीआरपी वी हैव टू एड सम अननेसेसरी ड्रामा एज वेल. देर इज़ नन ऑफ दैट अननेसेसरी ड्रामा इन दिस शो. इट्स प्योरली अबाउट टैलेंट, इट्स प्योरली अबाउट म्यूजिक, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म विच इज़ द रीज़न वाई इट इज़ सो स्पेशल. तो रेट्रो किया है, ओके, 90s का भी रिमिक्स किया है इस शो में. मैं आपको इतना बता सकती हूँ, वाट नहीं लगेगी. थैंक यू. बाकी पता नहीं, क्योंकि ये पर्सनल चॉइस है. कुछ किसी तरह का रिमिक्स या फ्रेश अप्रोच टू अ सॉन्ग आपको पसंद आ सकता है या नहीं पसंद आ सकता, लेकिन वाट अगर लगनी होती तो हम तीनों नहीं होते उस शो में. तो आई प्रॉमिस यू वो नहीं. सॉरी, पर वो ना नजरिया की बात है सर. आपके हिसाब से वो वार्ड हो सकता है, पर हमको जो गर्ल ज्यादा मुझे, वही कह रहा हूं, अगर एक किशोर दा का गाना है, कोई पुराना गाना जो 1950s या 60s में रिलीज हुआ, उसको अगर 2018 में कोई नए जॉनर के साथ मिक्स कर रहा है तो उसको देखने का नजरिया अलग होना चाहिए. अगर आप स्टकअप हो के बॉस इसकी वाट लगा नहीं लेंगे, अगर म्यूजिक ज्यादा, कभी कभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ज्यादा यूज कर लेते हैं तो ओरिजिनल. सबका सुनने का नजरिया अलग है, जो आपको पसंद आएगा वो जरूरी मुझे आएगा, और जो एंड वाइस वर्सा. So, वो नजरिया की बात है सर. व्हाट इज अ वेरी थोड़ा डिग्रेडिंग, बट इट्स अ गुड थिंग फॉर यंगस्टर्स. आई कांग्रेचुलेट यू, अच्छा लगेगा हमें. आई प्रॉमिस यू यू विल एंजॉय द शो, आप देखिएगा. मैं सब सुनता हूँ, मुझे सब सुनने में बड़ा मजा आता है. मैं हिंदी गाने भी सुनता हूँ, मैं तमिल गाने भी सुनता हूँ, मैं मेजर लेजर भी सुनता हूँ, मैं स्क्रिलेक्स भी सुनता हूँ, मैं प्रोडिजी भी सुनता हूँ, मैं सब सुनता हूँ. मुझे सब जगह से थोड़ा 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 कहीं ना कहीं से जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वो अपने गाने में इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करता हूँ. बट या आई एम एक्सट्रीमली ओपन माइंडेड इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, आई लिसन टू एवरीथिंग. इनफैक्ट मैं रात को जब सोता हूँ तो भी मेरा म्यूजिक चालू होता है. दैट टाइम आई लिसन टू वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, बट इट प्लेज ऑल थ्रू आउट द नाइट. So, I listen to everything. So, who has been your inspiration? You know, when you started off and this thing came out. I can tell you, my wife has been my like biggest inspiration and support, like since past 10-15 years now. In terms of music, as I said earlier, because I listen to so many different styles of music, I gather like little bits and pieces from everything. It's very difficult to pinpoint at one. Some tell us scoop. About some inside fun stuff, right. And that's going to be the last question. To tell us kuch hame gossip dijiye, come on, we're ready. Well, you know, Nucleya, I don't know where to start from, right? Tell us about Nucleya, because he's hiding his face right now, we want to know. Actually, you know, the fact of the matter is, and you know, at the risk of sounding like, you know, there's no masala in the show, but there is no the so-called drama that is created. ओके, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे शो में एक्चुअली कोई स्क्रिप्ट नहीं थी पर से, अदर देन द लिंक्स एंड ऑल, एवरीथिंग वाज बीइंग बिल्ट ऑन द स्पॉट, एंड वी हैड दिस थ्री वेरी कूल पीपल, यू नो, ऑन द अदर एंड दैट ऑलवेज पैटेड बैक विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट टू वेरी सटली पुट, यू नो, आई थिंक मैंने ऑफिशियली
अमित त्रिवेदी सर की जो मैरिज है उसको बहुत रिस्क पर लेकर आ गया हूँ मैं दो तीन बार, क्योंकि यू गैस हैव टू वॉच द शो. लाइक अभी जैसे आपने सर आपने सवाल पूछा इतना मतलब भारी वाला के गाने रीशफल मतलब सो रीमिक्स वगैरह होंगे तो उनकी वाट वाट तो नहीं लग जाएगी. तो अमित सर बिकॉज ही इज सच अ उम्दा कंपोजर एंड प्रोड्यूसर ऑफ आर इंडस्ट्री, तो ही केम बैक विद अ यू नो रिप्लाई टू सेव सुनिधि मैम. बट ऑन द शो द फर्स्ट थिंग दैट ही कमेंट्स ऑन इज द स्माइल ऑफ द कंटेस्टेंट्स. How beautiful the girl is looking today. Wow. Believe it or not, I'm shocked, Galen. Did you not get a compliment just as I yet? I did not, and I'm actually Amit, sir, feeling quite bad right now. Ye sab sochenge main jhoot bol raha hu. But I have requested Grey Matter and Amazon to edit all those things. I hope they have done that. So Amit sir is the highlight of every episode. Lovely. I'm not going to let him talk here also, for because sure. He used to start off with that. You know? On Amazon Prime Video. This brings us to the end of this trailer launch. Thank you so very much to our amazing judges. Vijay, thank you so much. Karan, thank you so very much. Thank you. And give it up once again for the outstanding talent that we're going to be watching come 9th of March 2018. Ladies and gentlemen, this is The Remix.